और ये आपको मैं रामपत मार कर मेन गेट दिखा रहा हूँ, लेकिन कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है इस गेट को, देखिए आप इधर, और इस समय पर भी फूल सजाए जा रहे हैं, उधर तो लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। देखिए आप राम प्रभु की यहाँ पे फोटो लगाई गई है, फूलों से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है रामपत मार्ग को। और ये इधर सामने देख रहे हो आप मेन गेट, गेट नंबर एक रामपत मार्ग का, इधर भी फूल सजाया गया है, इधर से फूलों से सजाया जा रहा है। और अभी राम मंदिर की एंट्री बंद कर रखी क्योंकि कल को उद्घाटन है राम मंदिर। ये आपको राम मंदिर के मेन गेट, गेट नंबर एक की अपडेट दे रहा हूँ। देखिए आप अभी गेट नंबर एक बंद कर रखा है दर्शन के लिए, कोई भी दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि कल को राम मंदिर का उद्घाटन है, इसी उपलब्ध यहाँ पे सब गेट बंद कर रखे हैं। यहाँ पे फोर्स लगा रखी है, न जाना मना है एकदम बिल्कुल, और कल के बाद एंट्री होगी क्योंकि कल को सब वीआईपी लोग आएंगे, इसलिए सब यहाँ बंद कर रखा है, अभी किसी की एंट्री नहीं है, सभी भक्तजन बाहर खड़े हैं गेट से बाहर। देखिए आप सभी जन सब सीडी शूट फोटो शूट कर रहे हैं बाहर से ही, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सभी बाहर खड़े हैं, सभी सरदार लोग बाहर खड़े हैं, देखिए यहीं से देख रहे हैं बाहर से, और मीडिया वाले भी सब बाहर खड़े हैं, किसी को अंदर नहीं जान दिया, सभी को बाहर ही खड़ा कर रखा गेट नंबर एक पर, अभी किसी को अनुमति नहीं मिली अंदर जाने के लिए। ये देखिए सुंदर तरीके से सजा गया गेट नंबर दो को, रामपत मार्ग को आपको दिखा रहा हूँ देखिए मैं, और फूलों से सजाया गया है, यहाँ पे हाथी बना रखे हैं, फूलों से सजाया गया है हाथी, और इधर मोर बना रखे हैं। देखिए फूलों सजाया गया है, 127 तरीके के फूल लगाए गए हैं इन्हें सजाने के लिए, देखिए आप कितने सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। और ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए अयोध्या में आपको दिखाया, देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, चारों तरफ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं अयोध्या में, काफी सुरक्षा का इंतजाम किया गया, देखिए पुलिस प्रशासन सभी खड़ा है यहाँ पे, और पीएससी भी, आर्मी भी है, कमांडो भी है, सभी फोर्स लगा गई यहाँ पे अयोध्या में। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए जय श्री राम जन्मभूमि और प्राण प्रतीक्षा 22 जनवरी 2024 यानी के, और आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से फूल सजाया गया है, 127 वैरायटी के फूल है, देखिए सभी तरीके से फूल लगाए गए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है इस मार्ग को। और अभी कार्य चल रहा है, थोड़ा सजाया जाता है, इधर झालर लगा रखी है, पुलिस प्रशासन देख सकते हो कितनी पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। गेट नंबर दो है अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए, यहाँ से सब सामान जाता है अंदर कार्य के लिए, तो कितनी फोर्स लगी हुई देखिए गेट नंबर दो पे, जय श्री राम लिखते कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सुंदर ऊपर देखिए ओम बना रखा है, ध्वंस बना रखा है, और जय श्री राम लिखा हुआ है सामने, ये सामने फूल फूलों से हाथी को बनाया गया है, देखिए दो साइड में ओम बने हुए हैं फूलों से, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, देखिए ये झालर लगा रखी है, फूलों की बनाई है, गुलदस्तों से गुलदस्ते सजा रखे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है रामपत मार्ग को आप देख रहे हो, और काफ़ी प्रशासन यहाँ पे, पुलिस प्रशासन, जय श्री राम, सभी भाई लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, देखिए इतनी सुंदर तरीके से रामपत मार्ग को सजाया गया है, सभी इंजॉय कर रहे हैं, सब खुश है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसी उपलब्ध में कितनी फोर्स लगा रखी है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है रामपत मार्ग को भी, और गेट नंबर दो को देखिए राम लिखा है, प्रभु राम का नाम लिखा है यहाँ पे, और ये आप देखो सामने इधर ही हाथी बने हुए हैं, और जैसे आगे चलोगे आप पीएससी के कुछ जवान खड़े हैं, और यहाँ मोर बना रखा है फूलों का, जय श्री राम, देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया इस मार्ग को भी, यहाँ पे फूलों से सजाया गया है, 27 वैरायटी के फूल लगाए गए हैं यहाँ पे रामपत मार्ग को सजाने के लिए, और गेट नंबर दो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे सामने हाथी बना रखे हैं, गेट नंबर दो पे हाथी का डिजाइन बना रखे, देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है इस मार्ग को, फूलों से सजाया जा रहा है। अब यहाँ से मंदिर गेट से सभी को हटाया जा रहा है, देख रहे हो आप पूरे मार्ग को फूलों से सजाया गया है, देखिए आप यहाँ पे यहाँ भी फूल लगा रखे हैं, सजा रखे हैं काफी सुंदर तरीके से, और सभी जगह पे झंडे लगे हुए हैं भगवा कलर के, पूरे मार्ग पर झंडे लगे हैं भगवा कलर के, देखिए आप इधर, और फूलों से सजाया गया है, इस तरह गेट बनाए गए हैं फूलों के,
ये जो आप यात्री देख रहे हैं रोड पे, ये पूरी रोड खाली हो जाएगी और एक घंटे के बाद अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि जो व्यक्ति के पास कार्ड है सिर्फ वही रहेगा इस मार्ग पर, और जिसके पास कार्ड नहीं है वो नहीं रहेगा कोई भी इस मार्ग पर। जिसे अनुमति कार्ड दिया गया है आने का, अब सिर्फ वही इस रोड पर घूमेंगे। ये VIP रोड हो जाएगी, देर के बाद VIP काफिला आएगा यहाँ को। इस रोड को किसी की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। ये हम आपको दिखा देखिए, आप पूरे मार्ग पर फौज पुलिस घूम रही है और फौज भी है, सभी तरीके की फौज लाई गई यहाँ पे। आपके कमांडो हैं, PSC वाले हैं, ब्लैक कमांडो हैं, NSG कमांडो हैं, SVG हैं, सभी तरह की फोर्स आई गई है अयोध्या में देखिए आप। और रामपत मार्ग को भी इस तरह से सजाया गया, देखिए जैसे राम लिखा है यहाँ पे भी गेट पे, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और ये पूरा मार्ग और अभी एक घंटे बाद पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं चलेगा, सिर्फ एंट्री कार्ड हो सिर्फ यही लोग चलेंगे। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, आप देख सकते कितनी फोर्स लगी हुई है। देखिए यहाँ पर लोग रंग चल रहा है और इस साइड टीम मथुरा की है, सब डांस कर रहे हैं और कोई ढोल बजा रहा है, देखिए कोई नगाड़े बजा रहा है। देखिए आप स्वागत के लिए राम प्रभु के, 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन है ना, इसीलिए प्लस यहाँ पे कितनी खुशी मनाई जाती है। और राम प्रभु के आने की खुशी में राम मंदिर उद्घाटन में एक मेरा बना देना। आपको अपडेट दे रहा हूँ 21 जनवरी की, आप देखो कितनी खुशी मनाई जा रही है राम जन्मभूमि पर। 22 जनवरी को उद्घाटन राम मंदिर का, उसी पर काफी ज्यादा खुशी मनाई। देखिए सचिन तेंदुलकर की कॉपी है, निकालते हैं आपको। आप देख सकते हो सामने कितने फूलों से सजाया जा रहा है राम पथमार को, कितनी लेवल लग रही है सजाने के लिए। रात में ही काम चल रहा है, रात्रि में भी। जय श्री राम, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है राम पथमार को। जय श्री राम।